गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, अभी चल रही है मिंत्रा पे बहुत अच्छी वाली सेल। आई थिंक सबको पता होगा 3 से लेके 8 तक के एंड ऑफ सीजन सेल थी और उसके अंदर आपको 50% से लेके 80% तक का ऑफ मिल रहा था। एंड आई एम डैम श्योर कि हर लड़की ने कोई शॉपिंग मिंत्रा से ज़रूर की होगी, क्योंकि इस सेल का इंतज़ार लाइक हमको पूरे साल भर रहता है कि कब यार एंड ऑफ सीजन सेल आएगी और कब शॉपिंग करेंगे। हम अपनी विश लिस्ट में लाइक कब से डालने लग जाते हैं प्रोडक्ट्स को, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो मैंने की है मिंत्रा से टॉप की शॉपिंग एंड कुर्तीज की शॉपिंग। एज मेकअप मैंने ऑलरेडी नायका से अभी ले लिया था, शुगर हॉल भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो जस्ट मेरे को टॉप्स एंड कुर्तीज चाहिए थी। आज तो मैं आप लोगों के साथ मिंत्रा टॉप हॉल शेयर करने वाली हूँ और उसके बाद एक या दो दिन बाद ही आप मेरा मिंत्रा कुर्ती हॉल भी देख लोगे मेरे चैनल पे। तो एक काम करूंगी, मैं इन दोनों वीडियो के अंदर लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों वीडियो के लिंक दे दूंगी, लाइक कुर्ती में टॉप का एंड टॉप में कुर्ती का, ताकि आप लोग अगर एक वीडियो देखो तो नेक्स्ट वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू पहुंच सको। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जितने भी टॉप्स मैंने लिए हैं अंडर 500 है, 500 से ऊपर वाली शॉपिंग मैंने नहीं की है टॉप्स में, क्योंकि जो मेरे पास रिक्वेस्ट आती है वो यही रहती है कि दी अंडर 500 के टॉप शेयर कीजिए, ताकि लाइक टॉप ऐसा है ना कि 7-8 बार पहनते हैं और बोर हो जाते हैं, घर में पहनने को डाल देते हैं, तो ज़्यादा लाइक इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं काफ़ी लोग। तो मैंने सबको ध्यान में रखते हुए अंडर 500 की शॉपिंग की है। तो या जो फर्स्ट मेरा टॉप है दैट इज़ दिस वन। काफ़ी प्रिटी सा मुझे ये कलर लगा, एज थोड़ा सा स्कूल यूनिफॉर्म वाला लग रहा है, बट इसका जो एम्ब्रॉयडरी है उसके थ्रू ये काफ़ी प्यारा पीस लग रहा है। से दिस एम्ब्रॉयडरी आप देख रहे हो पूरे थ्रेड से की हुई है, ब्लैक कलर से, और यॉक पार्ट पे ये पूरा कवर कर रहा है, उससे ये काफ़ी प्रिटी लग रहा है। तो ये है इसका ओवरऑल लुक। एंड इसमें आपको मिल जाता है कोल्ड शोल्डर इस तरह से, तो पहनने के बाद ये जो स्टाइल होती है कोल्ड शोल्डर वाली वो काफ़ी अच्छी लगती है। कॉलेज गोइंग गर्ल हो या फिर आप कहीं आउटिंग वगैरह पे जा रहे हो तो आप इजीली कैरी कर सकते हो इस टॉप को। एंड इसका जो स्लीव्स है गाइज, उसमें आप देख सकते हो इस तरह का इलास्टिक लगा हुआ है, जिससे कि पहनने के बाद काफ़ी प्रिटी लुक आता है, लाइक थोड़े से बलून स्टाइल वाली ये स्लीव्स लगती है। इसके बैक साइड में गाइस ऐसा सच कोई भी डिजाइन नहीं है, बट कोल्ड शोल्डर की वजह से काफी अच्छा लग रहा है ये अपने आप में। एंड गाइस इसका जो ब्रांड है दैट इज ड्रेस बेरी, एंड साइज जो मैंने पिक किया है दैट इज मीडियम। एंड एग्जैक्ट जो इसकी प्राइस रहेगी मैं आप स्क्रीन पे लगा दूंगी, ताकि आपको ईजी रहेगा कि कौन सा कितनी प्राइस में पड़ा है एग्जैक्ट। एंड गाइज इसका जो फैब्रिक है काफी डिफरेंट है, लाइक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कौन सा फैब्रिक है, बट काफी सॉफ्ट रहेगा, स्किन को चिपक के भी नहीं रहेगा और आप इजिली लाइक पूरे दिन पहन सकते हो ऐसा टॉप है ये। सो या दिस वन इज माई फर्स्ट परचेज, काफी प्रिटी लगा मुझे ये वाला। एंड नेक्स्ट जो टॉप लिया है गाइज, दिस वन इज माई फेवरेट इस हॉल में, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये एक क्रॉप टॉप है मस्टर्ड येलो कलर में, आपको पता होगा कि येलो कलर मेरा फेवरेट है अगर आप मुझे देखते हो मेरे चैनल पे तो। सो या ये है कुछ इसकी ओवरऑल डिज़ाइन, इसके पूरे यॉक पार्ट पे लाइक पूरे टॉप पे बोल सकते हैं इस तरह से ये एक सेल्फ में ही, सेल्फ क्लोथ के अंदर ही पूरा इस तरह से मैश डिज़ाइन बनी हुई है पूरा, आप देख सकते हो। से दिस This is the overall look, and इसके दोनों shoulder में पूरे top में like ऊपर से लेके नीचे तक आपको इस तरह की frill मिल जाती है दोनों side से, जो कि पहनने के बाद काफ़ी pretty लग रही थी। और ये है कुछ इसकी sleeves, स्लीव्स में आपको यहाँ पे बटन मिल जाता है, से दिस। एंड इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि साइड में आपको पूरी अच्छे से जिप मिल जाती है, से दिस। ये पूरी जिप है जिसको ओपन करके आप इजीली पहन सकते हो, अदरवाइज काफ़ी टॉप्स ऐसे होते हैं क्रॉप टॉप्स जो होते हैं वो नीचे से थोड़े से टाइट होते हैं, तो जब हम ऊपर से पहनते हैं ना कम्फर्टेबल नहीं रहता और टाइट रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरह की अगर जिप साइड में लगी हुई है तो आप जिप खोल के इसको इजीली पहन सकते हो और उसके बाद आप इजीली ये जिप बंद कर सकते हो। एंड जो फैब्रिक है दैट इज़ प्योर कॉटन, आई थिंक आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, एकदम कॉटन वाला फैब्रिक है, बहुत प्यारा सा रिच लुक आ रहा है पहनने के बाद। तो आप कोई भी अपनी हाई वेस्ट जीन्स के साथ, ब्लू के साथ भी कैरी कर सकते हो, ब्लैक के साथ भी कैरी कर सकते हो, काफ़ी प्रिटी ये लगा। और इवन आप अपने कोई भी प्लाजोज के साथ भी इसको पहन सकते हो। मोरओवर आपको इसके अंदर काफ़ी सारे कलर्स भी मिल जाएंगे, आई थिंक ये व्हाइट में है, रेड में है, ब्लू में है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस सारे लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप एक पे क्लिक करोगे ना तो सारे कलर ऑप्शन आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे। सो या इसकी जो प्राइस है आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ऑलमोस्ट ये आई थिंक 400 या 500 समथिंग कुछ है, ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है। जो नेक्स्ट टॉप है गाइस दैट इज दिस वन, इस तरह के स्ट्रिप्स वाले टॉप्स भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, बहुत प्रिटी लुक आता है इनको पहनने के बाद। तो ये आप कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो, ब्लू एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में है और ऊपर आपको इस तरह की स्ट्रिप मिल जाती है और उसके पूरे यहाँ पे फ्रंट एंड बैक साइड में इस तरह की फ्रिल दी हुई है जो कि काफ़ी प्रिटी लग रही है।
स्लीव्स के अकॉर्डिंग भी काफी अच्छा लुक आता है और ओवरऑल आप इस टॉप को देखते हो नॉर्मल भी तो काफी अच्छा लगता है। ये क्रेप फैब्रिक में है जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, लाइक कॉटन नहीं बोलेंगे हम इसको, बट ये पहनने के बाद काफी अच्छा लग रहा है। साइज मैंने पिक किया है मीडियम। इसकी जो स्ट्रिप्स है गाइज, इजीली आप इसको अपने साइज के अकॉर्डिंग लूज एंड टाइट कर सकते हो, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। अदरवाइज काफी स्ट्रिप्स ऐसी होती है जो एक ही जगह स्टक हो जाती है और उनको खोलना उतारना लूज या टाइट की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो इस तरह से इस टॉप में ये सच प्रॉब्लम नहीं है। और सिंपल सा टॉप है बट अपने आप में ही काफी स्टाइल कैरी कर रहा है, तो ये भी अच्छा ऑप्शन है, आप ले सकते हो। नॉर्मल कोई भी आउटिंग वगैरह पे जाते हो तो इजीली आप पहन सकते हो। एंड जो नेक्स्ट टॉप है वो मैंने काफी हॉल वीडियो में देखा है और इस पे काफी अच्छे रिव्यूज थे मिंत्रा पे, आप जाके देखोगे तो से दिस इज द शर्ट स्टाइल टॉप। और इसके अंदर आपको फॉर श्योर स्पैगेटी पहननी पड़ेगी ब्लैक कलर की, और ये आप देख सकते हो शर्ट स्टाइल है तो ये कॉलर पैटर्न में है और इसकी स्लीव्स जो है एकदम फुल स्लीव्स है, बट इसका प्रिंट काफी अच्छा लग रहा है, ब्लैक के अंदर है और आई डोंट नो कि इस प्रिंट को क्या बोलते हैं, बट काफी अच्छा लग रहा है ये। और इसकी स्लीव्स को गाइज आप फोल्ड भी कर सकते हो, यहाँ पे बटन दिया हुआ है एक, तो अगर आपको फोल्ड करना है तो आप इस तरह से फोल्ड करके भी इसको ऊपर टाई कर सकते हो। सो इसका जो फैब्रिक है दैट इज जॉर्जेट फैब्रिक, जो कि दाने रहते हैं ना जिस फैब्रिक के अंदर, वो वाला फैब्रिक है ये, तो पहनने के बाद काफी रिच लुक आ रहा है। एंड मोर ओवर आप इसको इन भी कर सकते हो, आउट कर सकते हो, आप अपनी स्टाइल के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पहन सकते हो, तो काफी अच्छा लगा। अगर आपने कोई टैंक टॉप पहना है तो आप एज अ जैकेट भी इसको कैरी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, बट प्राइस के अकॉर्डिंग काफी प्रिटी है और काफी प्यारा लग रहा है, लाइक ब्लैक जींस के साथ तो बहुत ही सुपर्ब लग रहा है ये। सो ये है मेरा फोर्थ परचेज। एंड गाइस जो नेक्स्ट टॉप है वो मैंने अभी नहीं परचेज किया है, इसको मुझे काफी टाइम हो गया परचेज करे हुए, बट मैंने मिंत्रा से लिया और काफी मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं इस टॉप के साथ और काफी लोग मुझे पूछते भी हैं जब भी मैंने एक दो बार वीडियो में भी पहना है तो कहाँ से लिया है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इंक्लूड कर देती हूँ। तो ये है कुछ ओवरऑल इसका टॉप, काफी प्यारा सा इसका लाइट पिंकिश टाइप का कलर है, लाइक एकदम पिंक, बेबी पिंक भी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट सा कलर है। और इसके स्लीव्स में आप देख सकते हो इस तरह की डिजाइन दी हुई है, बहुत ही प्यारे से छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए हैं और पर्ल लगे हुए हैं सारे फ्लावर्स में से दिस, और इसके बॉर्डर पे थोड़े से बड़े फ्लावर आपको मिल जाते हैं। सेम इसके नेक डिजाइन में भी आपको इस तरह का ही पैटर्न मिलेगा फ्लावर वाला, नेट का ये डिजाइन है और उसके ऊपर काफी सारे छोटे छोटे से फ्लावर्स लगे हुए हैं से दिस, और बाकी पूरा टॉप एकदम सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। इसका राउंड नेक है और पीछे इस तरह का एक बटन दिया हुआ है ताकि पहनने में थोड़ा सा इजी रहे। गाइस ये जो टॉप है ये मेरा अभी तक का फेवरेट है मिंत्रा में से, मिंत्रा से मैंने बहुत सारे टॉप्स खरीदे हुए हैं, पहले भी आप लोगों के साथ टॉप हॉल शेयर किया है मैंने, बट ये जो टॉप है ये मेरा फेवरेट है, इसको मैंने एक दो बार वॉश भी कर लिया। एंड गाइस इसकी सबसे अच्छी बात है कि जितने भी आप ये पर्ल देख रहे हो, फ्लावर्स देख रहे हो, ये ऐसे चिपकाए हुए नहीं है ऊपर से, सारे अच्छे से थ्रेड के थ्रू यहाँ से टाई किए हुए हैं से दिस, आप देख सकते हो, तो इसकी वजह से ये बिल्कुल भी नहीं निकले हैं, एज इट इज है। और अगर आपको लगता है कि थोड़े से लूज हुए हैं तो आप इनको टाइट भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही प्रिटी सा पीस है, बहुत सिंपल सा है, बहुत प्यारा है, और इवन आप कोई पार्टी फंक्शन में भी इसको इजीली पहन सकते हो। या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, लिंक्स ऑलरेडी मैंने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिए। माई हॉल पैक का मैंने एक लिंक दिया है, उसके अंदर आपको सारे प्रोडक्ट्स विद पिक्चर एंड प्राइस विजिबल रहेंगे ताकि आपको ईजी रहेगा कि आपको कौन सा पिक करना है। या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।